हाय फ्रेंड्स मेरे तो नागपाल देखिए आज आपके लिए एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ आप ये देखिए ये डिज़ाइन बेसिकली हनी कॉम्ब और हेक्सागन की तरफ लगता है लेकिन ये वैसा डिज़ाइन नहीं है ये उससे थोड़ा काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है बेसिकली आप कितने भी फंदे आपके पास हो इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हो आप ये देखिए इसका लुक इस तरीके से आता है और बैक का लुक सीधा है जो नॉर्मल हम बनाते हैं उस तरीके से लेकिन हेक्सागन का पीछे से इस तरीके से नहीं आता है अब ये देखिए ये जो है देखिए इस तरीके से दिखता है बहुत ही सुंदर है नॉन और प्लाई से थोड़ी सी मोटी वूल ली है मैंने और नौ नंबर की सराई से इसे मैं बना रही हूँ आपको बना के दिखा रही हूँ देखिए ऐसे इसका लुक जो है इस तरीके से आता है हार्डली जितने भी फंदे होंगे उसको आपने उसी तरीके से बनाना है और हार्डली जो है तीन लाइंस का डिज़ाइन है जो आपको फिर रिपीट करते हुए जाना है अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ एक तो ये गफ बहुत बनता है और इसमें थोड़ी सी वूल ज़्यादा लगती है प्लस जो साइड्स है आप थोड़े से साइड्स का ध्यान रख लीजिएगा साइड्स में आप या तो उल्टे उल्टे फंदे रखिएगा या दो चार फंदे सीधे रखिएगा ताकि आपका ये डिज़ाइन बनाते हुए आपका जो है ये टेढ़ा ना जाए इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ बाकी चलिए आगे मैंने इसमें बताया है बहुत आसान सा डिज़ाइन है और बहुत ईजी वे में बनता है इसे आप अपनी कोटी में अपने ब्लाउज में और अपने जो है टॉप में बच्चे के शॉल में कार्डिगन में फ्रॉक में काफ़ी जगहों पे इसे आप डाल सकते हैं और इसे हम डबल वूल में भी डबल कलर में भी चला सकते हैं बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे हम बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं फिर ये डिज़ाइन देखते हैं किस तरीके से हम इसे बनाएंगे देखिए अब जितने भी फंदे आपके पास होंगे इसमें कोई फंदों का वेरिएशन नहीं है कि आपने इतने ही मल्टीप्लाई करना है जितने भी फंदे आपके पास होंगे हार्डली तीन लाइंस का डिज़ाइन है और फंदे आपके पास जितने होंगे आपको उस तरीके से इसे करते हुए जाना है तो देखिए पहली लाइन अब करनी कैसे है पहला फंदा उतारेंगे अब धागा अपनी तरफ कीजिएगा इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा और सीधा फंदा उतारेंगे ऐसे अब इन दो फंदों को हमें जो है उल्टे में दो का एक करना है क्यों क्योंकि हम यहाँ पे एक फंदा इस तरीके से लपेट के बढ़ाएंगे तो आपने धागा लपेटा तो आपका फंदा बढ़ गया तो उल्टे में आपने दो का एक करना है फिर से इसे उतारेंगे बिना बुने हुए धागा लपेटेंगे और दो का एक करेंगे अगेन उतारेंगे धागा लपेटेंगे उल्टे में दो का एक करेंगे पूरी लाइन इसी तरीके से करेंगे आप देखें ये उतारा आपने धागा लपेटा आपने और इन दोनों को आपने उल्टे में दो का एक कर लिया फिर इसे उतारा धागा लपेटा इन दोनों को दो का एक किया इसे उतारा धागा लपेटा और दो का एक किया धागा लपेटने से हमारा जो है फंदा बढ़ रहा है लेकिन जब हम दो का एक करेंगे तो फंदा हमारा बढ़ेगा नहीं इसे उतारा धागा लपेटा दो का एक किया इसे उतारा धागा लपेटा और आपने दो का एक किया अब ये लास्ट का फंदा आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे देखिए नेक्स्ट लाइन आपने किस तरीके से करनी है अब ये वाला फंदा तो पहले उतारेंगे फिर आप देखेंगे ये फंदा आपको जो है इस तरीके से सीधा बनाना है ये आपको अपना धागा अपनी तरफ करके उल्टा बनाना है अब ये फंदा ऐसे उतारेंगे देख रहे हैं आपको जिसे आपने लपेटा ध्यान से देखिएगा जिसे लपेटा ऐसे उतारेंगे और दो फंदे हम इस तरीके से उल्टा बनाएंगे फिर ये लपेटा हुआ फंदा हम उतारेंगे इसे हमने बुनना नहीं है अभी जस्ट इसे हमने उतारना है और दो फंदे हमने उल्टे बनाए फिर इसे उतारा फिर उल्टे बनाए पूरी लाइन ही करेंगे ये उतारा, ये, उतारा, ये उतारा दो उल्टे बनाए 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 ये उतारा और दो उल्टे बनाए ये थी हमारी सेकंड लाइन अब आ जाइए थर्ड लाइन पे देखिए अब आपका इस तरीके से आ रहा है कुछ अब करना क्या है ध्यान से देखिएगा पहला फंदा उतारूंगी इस तरीके से और इन दो फंदों को मैं धागा अपनी तरफ करके ये जो दो फंदे हैं इन्हें इस तरीके से उल्टे में दो का एक करूंगी। फिर ये उतारूंगी धागा लपेटूंगी इन दो फंदों को ऐसे दो का एक करूँगी अगेन ये उतारूँगी धागा लपेटूँगी इन दो को जो ये दिख रहे हैं आपको इन दो को दो का एक करूँगी फिर आपने ये उतारा धागा लपेटा इन दो को दो का एक किया ये उतारा धागा लपेटा इन दो को दो का एक किया ये उतारा धागा लपेटा दो का एक किया ये उतारा धागा लपेटा दो का एक किया देखिए जो हमने यहाँ पे उल्टा बनाया है उसे हम अब उतार रहे हैं यानि कि अल्टरनेट हमारा चल रहा है अब ये उतारा दो का एक यहां पे हमारा हो गया और इन दोनों को अभी हमने इस तरीके से ऐसे बनाना है क्योंकि अभी आप यहाँ पे अगर बढ़ाएंगे तो फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा तो फंदा हमने नहीं बढ़ाना है अब आपने पलट के देखिए फिर वही करना है ये आप उतारेंगे अब ये फंदा धागा अपनी तरफ करके ये उल्टा ये देखिए ये भी उल्टा ध्यान से देखिएगा जो हमने फंदा लपेटा है उसे उतारना है और बाकी दो फंदे इस तरीके से उल्टा बनाएंगे फिर इसे उतारेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे इसे उतारेंगे दो फंदे उल्टे, अगेन इसे उतारेंगे दो फंदे उल्टे फिर इसे उतारा आपने दो फंदे उल्टे बनाए अगेन ये उतारा आपने दो फंदे उल्टे ये उतारा दो फंदे उल्टे और ये लास्ट का फंदा देखिए ये देखेंगे इस तरीके से आया है ये अब अब आपने बस इसी को रिपीट करते हुए जाना है अभी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली हो जाए कि आपने बनाना किस तरीके से अब देखिए ऐसे आएगा ये अब करना क्या है पहला फंदा तो उतारेंगे अब जो है धागा अपनी तरफ करके ध्यान से देखिएगा ये जो फंदा दिख रहा है यानी कि ये जो लपेटे हुए के साथ दिख रहा है ये तो हमें दो का एक करना है इसके जो पहला फंदा हमें इस तरीके से दिखता है सीधा उसे उतारना है धागा लपेटना है और ये जो दो फंदे हैं इन्हें इस तरीके से दो का एक करना है ये उतारना है देखिए धागा लपेटा इन दोनों को दो का एक किया ये उतारा धागा लपेटा दो का एक किया बस ध्यान रखिएगा इस डिज़ाइन में कि आपके फंदे बढ़ने नहीं चाहिए इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा तभी जब आप धागा लपेटती हैं तो घटना भी उतना ही चाहिए जितने आप धागा लपेट रही हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जनरली क्या होता है कि लास्ट में हमारे को पता नहीं चलता है और अहम से जो है फंदे बढ़ जाते हैं अब देखिए इस तरीके से आया ये तो दो का एक करना जरूरी है अगर आपने धागा लपेटा है तो चलिए उल्टी लाइन फिर वही जो लपेटा है वो उतारेंगे और बाकी दोनों हम उल्टा बनाएंगे देखिएगा अब धागा अपनी तरफ देखिए ये लपेटा हुआ दिख रहा है उतारेंगे दो फंदे उल्टे ये लपेटा हुआ दिख रहा है उतारेंगे दो फंदे उल्टे ये उतारेंगे दो फंदे उल्टे अब यही चीज़ अगर आप अपने आप दोहराते हुए जाओगे तो आपका बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा डिज़ाइन चढ़ेगा ये डिज़ाइन आप अपने कार्डिगन पे अपने बच्चों के टॉप पे अपने बच्चों के फ्रॉक पे डाल सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लगता है ये ये देखिए आ गए फिर से राइट साइड पे देखिएगा बैक साइड से बिल्कुल ऐसा बन रहा है और फ्रंट में देखिए इस तरीके से ये उतारा आपने अब वही धागा आगे करके अब ये दो दिख रहे हैं देखिएगा आप तो यानी कि पहले ही स्टार्टिंग में दो का एक करना है फिर उतारा तो बढ़ाया यहाँ घटाया ये बढ़ाया फिर दो का एक किया घटाया ये उतारा तो बढ़ाया फिर दो का एक किया घटाया, ये उतारा लपेटा तो बढ़ाया ये घटाया, ये बढ़ाया ये घटाया, ये बढ़ाया इस चीज़ का आप इस तरीके से ध्यान रख सकती है ये घटाया, ये बढ़ाया ये घटाया, और ये बढ़ाया अब यहाँ पे जो है इस तरीके से घटाएंगे तो यहाँ पे हमें बढ़ाना ज़रूर है तो धागा लपेट के आप इसे इस तरीके से बनाइएगा बस लास्ट में जरूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ का इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि कभी हमसे गलतियाँ हो जाती है तो यहाँ पे जो है फंदे हमारे बढ़ जाते हैं तो देखिए अगर ये घटाया बढ़ाया घटाया बढ़ाया घटाया बढ़ाया घटाया बढ़ाया घटाया बढ़ाया घटाया बढ़ाया घटाया और यहाँ पे हमने बढ़ाया तो यहाँ पे मैं घटाऊंगी नहीं इनको मैं इस तरीके से तीनों को बना दूंगी बस ध्यान आप अपने फंदे घटाने और बढ़ाने का रखिएगा अगेन वही उल्टी लाइन देखिए इस तरीके से किया धागा अपनी तरफ अब ये फंदे तो हमें सीधे दिख रहे हैं देखिए ऐसे फिर ये उतारा फिर दो उल्टे बनाए ये उतारा दो उल्टे बनाए ये उतारा तो उल्टे बनाए ये उतारा बहुत गफ जो है ये डिज़ाइन बनता है काफी मोटा सा डिज़ाइन बनता है ये अब मैंने देखिए मैंने तो नॉर्मल से थोड़ी सी थिक वूल ली है और मैं नौ नंबर की सिलाई से इसे बना रही हूँ ये देखिए ये आ गया इस तरीके से तो देखिएगा ऐसे आपका डिज़ाइन ये बनता हुआ जाएगा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता है आप अपने बच्चे के फ्रॉक पे टॉप पे अपनी कार्डिगन पे शॉल इस तरीके से इसे आप बना सकते हो तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू